बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिश बेग। आज आपको क्रिकेट मैच के बारे में, जो पिछला मैंने कहा था साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के मैच के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको पता भी है, आपने देखा भी है, 79 रन बनाए थे जिम्बाब्वे ने और 50 रन बनाए थे ये अपना साउथ अफ्रीका ने। और जो मैंने आपको बताया था कि वो विकेट कीपर के सर के ऊपर से ज़्यादा रन बनाए थे उन्होंने, ज़्यादातर जो शॉट गए थे वो सर के ऊपर से गए थे विकेट कीपर के, अजीब वाक्य था। खैर बहरहाल, आज भी थोड़े दिन पहले मैच हुआ है, वो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच हुआ, पाकिस्तान उसमें हार गया है, बड़ी बात है। और वजह क्या कह सकते हैं आप, शाहीन शाह आफरीदी मुकम्मल फिट नहीं है, और एशिया कप ले लें आप, पाकिस्तान में इंग्लैंड सीरीज़ हुई है और अभी ये दो मैच हुए हैं, ये पूरा आप लगाएं तो दो मैच पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से ये टीम को आज तक उठा के रखा हुआ लोगों ने। एक इंडिया का मैच पाकिस्तान जीता था, आसिफ बेस्ट बेहतरीन, और एक जो है वो अफगानिस्तान वाला मैच जीता था। तो इन दो मैच की वजह से ये टीम अभी तक मजबूत चल रही है, सिर्फ इन दो मैच की वजह से। इसमें ये लोकल सीरीज़ बिल्कुल तबाह हो गए, और अभी ये दो मैच हुए हैं, देख रहे हैं इसमें क्या हालत हुई है इनको। ये काफ़ी अरसे से रो रहे हैं कि हमारे पास जो स्पीड बॉलर है ना, वो अभी नहीं मिल रहा हमको। शोएब अख्तर वगैरह के बाद जो है उनके पास कोई ऐसा कोई बहुत तेज़ बॉलर नहीं आया। ये इतने अरसे से एक बॉलर को लेके घूम रहे हैं, अभी तक उसको उन्होंने खिलाया नहीं, बहुत ही कम कभी किसी मरे हुए मैच में खिला देते हैं, और उसमें भी बेचारा वो नज़र सही नहीं आता, धानी नाम है उसका, उसको लेके बैठे हुए हैं, उसको खिला ही नहीं रहे। और जो जिन विकटों पे अभी ये खेलने गए हुए हैं, वो विकटें हैं धानी के लिए, धानी जैसे बॉलर के लिए। शाहीन शाह आफरीदी नज़र आ रहा है कि वो जान मार रहा है, मगर नहीं हो पा रहा उससे। आप धानी को अब आप अभी अच्छा अभी आपने खिलाया, तो ज़रा सा भी कुछ प्रॉब्लम आई तो वो बेचारा फेल भी हो सकता है, आप उसको खिलाएं भाई, क्यों नहीं खिला रहे, क्यों लेके घूम रहे हैं उसको। बहुत अच्छा खेलेगा। और जिम्बाब्वे में एक बॉलर आपने देखा होगा, उसने 3 विकेटें ली हैं, रज़ा नाम का बॉलर है अपना, पता नहीं नाम क्या पूरा उसका, अरशद रज़ा नाम है, पता नहीं कुछ ऐसी नाम है। तो उसने 3 विकेटें ली हैं, स्पिनर है, बेहतरीन बॉलर है यार उसकी, आपने बॉल देखी उसको, पहली बॉल पे उसने छक्का 4 मारा है, उसके बाद दूसरी बॉल पे उसने कैच, पहली बॉल पे छक्का मारा है, फिर दूसरी बॉल पे उसने जो है उसको कैच कर लिया, कैच आउट हो गया, और फिर उसने उसका एक स्टंप बोल्ड हुआ है, आप देखें उसने विकेट की अपना बैट्समैन को समझ में ही नहीं आई कहाँ से बॉल निकल गई और वो स्टंप बोल्ड हुआ है, और एक जो है उसने बोल्ड किया है, बहुत प्यारा बॉलर आया वो रसा नाम का जिम्बाब्वे का। आप कभी उसको मैच देखें, बहुत गौर करें तो पता चलेगा कि हाँ यार इसने वाकई 3 विकेटें बड़ी शानदार विकेटें ली हैं, और फ़र्क पड़ा 3 विकेटों से, और तीनों विकेटें जो थी बड़ी काम की विकेटें थी मानी वो। सेकंड आज रैली निकली है धरने के लिए, लाहौर से निकले हैं। अच्छा बड़ी बात यह है कि लाहौर बंद नहीं हुआ, और में ट्रैफिक भी बंद नहीं हुआ, और बहुत ही बड़ा वहाँ पे मजमा निकला, बहुत ही बड़ा मजमा कई शहरों से निकलेगा। 5 दिन का इनका शेड्यूल है, और इस्लामाबाद के लिए 5 दिन में पहुँचेंगे, 5 से 6 दिन या हो सकता है बढ़ भी जाए, 7 दिन भी हो जाए, 4 दिन से लेके 7 दिन तक का है शेड्यूल, ये बना के जा रहे हैं, और ये बड़े ही अहम दिन है पाकिस्तान के, और देखें क्या होता है। बहरहाल अच्छा होना चाहिए जो भी होना चाहिए, और इस्लामाबाद में जो है वो इर्द गिर्द के छोटे छोटे शहरों से लोग पहुँचना शुरू हो गए, कोई किसी चीज़ की रेड़ी लगा रहा है, कोई खाने की रेड़ी, कोई किसी चीज़ की रेड़ी, बिजनेस पड़ेगा अगर वहाँ इतने। इस्लामाबाद आपको पता है कितना बड़ा है, वहाँ तो लोग खड़े हो जाएंगे तो खड़े ही रहेंगे, सिर्फ बैठने की जगह नहीं मिलेगी। देखें आगे क्या होता है, क्या होने वाला है।